हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने वाई बस मैट्रिक्स का बहुत सारे न्यूमेरिकल देखे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन आया था उस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल था वो देखें, और उससे पिछले लेक्चर में हम लोग कंस्ट्रक्ट वाई बस कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके बारे में देखें। और फिर मैं आपको बताया था कि जेड बस मैट्रिक्स है वो फुल कोर्स का पार्ट है, फिर हमारा जो जैकोबियन और ये न्यूटन रैप्सन मेथड है, बहुत सारे सॉल्यूशन नॉन लीनियर अल्जेब्रिक इक्वेशन का है, जैसे गॉस मेथड है, गॉस सीडल मेथड है, फिर न्यूटन रैप्सन मेथड है। तो ये सारा मेथड का जो इटरेशन वाला जो पार्ट है वो भी फुल कोर्स का पार्ट है। अभी हम जो बात करने वाले हैं इस लेक्चर में जो बात करने वाले हैं दैट इज दी आपका जो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स है वो, और बस का क्लासिफिकेशन, क्यों क्लासिफिकेशन ऑफ बस, कितने टाइप से बस को क्लासिफाई किए हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखो, जब भी कोई एन बस आपका एन बस सिस्टम है उसमें आप बताओ कितने वेरिएबल्स हो सकते हैं। हर एक बस पे आप क्या फाइंड करते हो, वोल्टेज फाइंड करते हो, डेल्टा फाइंड करते हो, फिर एक्टिव पावर एंड रिएक्टिव पावर। हर जगह हम लोग किसी भी बस पे हम लोग यही चार पैरामीटर फाइंड करते हैं, दैट इज़ पी क्यू वी एंड डेल्टा। मतलब कि एक बस पे अगर हमको फाइंड करना होगा तो ये चार चीज़ तो हमें फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर n बस होगा तो n बस में हमारे पास कितना वेरिएबल होगा, 4n वेरिएबल होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि एक बस में अगर 4 वेरिएबल है तो n बस में कितना होगा, 4n वेरिएबल होगा। और आपके पास वहाँ पे इक्वेशन क्या है, मान लीजिए एक बस सिस्टम लेते हैं, ये बस नंबर 1 और बस नंबर 2, तो बस 1 और 2 के बीच में आप क्या फाइंड करते हो, हमेशा देखो पावर सिस्टम 1 में अगर आप देखे होगे तो आपको पता होगा आपके पास एक फॉर्मूला होता है एक्टिव पावर निकालने का और रिएक्टिव पावर, सेंडिंग एंड एक्टिव पावर, सेंडिंग एंड रिएक्टिव पावर, या रिसीविंग एंड एक्टिव पावर एंड रिसीविंग एंड रिएक्टिव पावर निकालने का आपके पास फॉर्मूला है। मतलब कि दो आपके पास इक्वेशन है, राइट, और वेरिएबल कितना है, 4, एक बस की हम बात कर रहे हैं। तो अगर n बस की बात करेंगे तो 2n हमारे पास इक्वेशन हो जाएगा और 4n क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो बताओ नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो है वो नंबर ऑफ इक्वेशन से क्या है, ज़्यादा है। तो जब भी ऐसा सिस्टम आ जाए तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ये मैथमेटिक्स का पार्ट है कि जब भी आपका नंबर ऑफ वेरिएबल अगर ज़्यादा हो जाए नंबर ऑफ इक्वेशन से तो वैसे टाइप में आपका सॉल्यूशन जो मिलेगा दैट इज इनफाइनाइट, राइट। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, किसी दो को हमको नोन बनाना पड़ेगा। मतलब कि हम ये एज्यूम करेंगे कि दो पैरामीटर हमारे पास जो है वो नोन है और रिमेनिंग टू हमको अननोन है, ठीक है। और इस बेसिस पे हम क्या करेंगे, बस को क्लासिफाई करेंगे डिफरेंट। तो चार टाइप का क्लासिफिकेशन है जो हम देखने वाले हैं, जिसमें हम ये मान के चलेंगे कि कोई भी दो नोन हो सकता है। तो अगर कोई दो नोन हो गया तो हमारे पास ऑलरेडी दो इक्वेशन है तो रिमेनिंग टू हम उस दो इक्वेशन से ईजिली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी बेसिस पे हम लोग बस को क्लासिफाई किए हैं चार पार्ट में, उस चार पार्ट को इसमें डिटेल में देखने वाले हैं, और उसके बाद उस पर रिलेटेड जो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आता है उसको कैसे सॉल्व करना है वो भी हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताया कि बस का जो क्लासिफिकेशन वो चार टाइप का है, तो पहला जो क्लासिफिकेशन है बस का दैट इज नोन एज स्लैक बस। आप इसको ध्यान से समझना और शॉर्ट नोट्स में अच्छे से लिखना, क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया है तो आपको साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स निकालने में आपको टाइम नहीं लगेगा। तो स्लैक बस को और हम लोग क्या बोलते हैं, रेफरेंस बस भी बोलते हैं, और इसको एक और बोलते हैं दैट इज स्विंग बस। तो इसमें जो हमारा नोन क्वांटिटी होता है दैट इज वी और डेल्टा, और अननोन जो होता है वो होता है पी और क्यू, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो स्लैक बस क्या होता है, एक्चुअल में स्लैक बस को हम रेफरेंस बस क्यों बोलते हैं, क्योंकि कोई भी आप एन बस सिस्टम ले लो, मान लो मैं ये 2 बस सिस्टम या 3 बस सिस्टम ले रहा हूँ, यहाँ पे भी हमारा जनरेटर कनेक्ट है G1, यहाँ पे भी जनरेटर कनेक्ट है G2, और यहाँ पे भी मान लीजिए जनरेटर कनेक्ट है G3। तो किसी एक जनरेटर को तो हमें रेफरेंस मान के चलना पड़ेगा, लाइक हमको इस बस वोल्टेज को 1 at an angle of 0 मानना पड़ेगा, तभी जाके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम में आप देखे होंगे
जब भी हम लोग पावर सिस्टम वन में सॉल्व किए क्वेश्चन, तो एक जगह हम बस वोल्टेज को कुछ ना कुछ एंगल मान लेते थे कि वन एट एन एंगल जीरो पे वो है, और उसके रिस्पेक्ट में हम यहाँ का एंगल निकाल सकते हैं, यहाँ का एंगल निकाल सकते हैं। तो ये स्लैक बस किसको बोलते हैं, जो आप रेफरेंस ले रहे हो। देखो यहाँ रेफरेंस हम लिए वन एट एन एंगल ऑफ जीरो, तो इस वाले बस को हम क्या बोलेंगे, स्लैक बस। अब देखो वन हमको पता है दैट इज वोल्टेज, एंगल जीरो दैट इज डेल्टा, तो वोल्टेज एंड डेल्टा स्लैक बस का नोन हुआ या नहीं हुआ, तो जो नाम लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हमको सोचना है, हमको रटने की जरूरत नहीं है। रेफरेंस बस, अब रेफरेंस बस में वन एट एन एंगल ऑफ जीरो हम खुद ही दे दिया है, दैट मीन्स कि वोल्टेज दे रखा है और डेल्टा दे रखा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि नोन जो होता है वो वोल्टेज और डेल्टा होता है, और उसके बाद उस जगह पर आप पी एन क्यू फाइंड कर सकते हो, दैट इज अननोन, राइट। अब कायदे से देखा जाए तो स्लैक बस नाम की कोई चीज नहीं है, स्लैक बस इज जनरेटर बस ओनली। देखो यहाँ जनरेटर कनेक्ट है, यहाँ भी जनरेटर कनेक्ट है, यहाँ भी जनरेटर कनेक्ट है, उस जनरेटर बस में से एक बस को हम रेफरेंस मानते हैं, दैट इज नोन एज स्लैक बस। तो जब भी आप नोडल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो नोडल इक्वेशन में आप एक रेफरेंस मानते हो, जब आप नेटवर्क बनाते हो तो नेटवर्क में आप एक रेफरेंस मानते हो जिसको जीरो बोलते हैं, जीरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ वो रेफरेंस जो है वो जीरो है। तो वो नोडल इक्वेशन में जो रेफरेंस जीरो मानते हैं वही हम यहाँ पे वन एट एन एंगल ऑफ जीरो मानते हैं बस सिस्टम में, वन एट एन एंगल ऑफ जीरो, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लैक बस। तो अगर आपसे पूछा जाए कि पावर कितना स्लैक बस दे रहा है या कितना डिलीवर कर रहा है इसके बारे में, तो आपको ये चीज पता होना चाहिए, पी स्लैक प्लस पी जनरेटर इज इक्वल टू पी डिमांड प्लस पी लॉस। मतलब कि ये तीन, अब देखो यहाँ पे मैं तीन जनरेटर दिखाया हूँ, मतलब कि जनरेटर बस कितना है हमारे पास, तीन। उस तीन बस में से एक तो हम स्लैक बस बता दिए, तो जनरेटर बस रिमेनिंग हमारा जो है दैट इज नॉन एज पी वी बस, जो भी हम बात करने वाले हैं वो पी वी बस क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। तो इसको आप पी वी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये आपका क्या हुआ, तीन जनरेटर जो पावर जनरेट कर रहा है जिसमें से एक स्लैक भी है, इज इक्वल टू जो पावर डिमांड है प्लस लॉस है, है ना, पावर बैलेंस इक्वेशन है। तो यहां से आप इजिली स्लैक बस का पावर निकाल सकते हो, दैट इज पी डिमांड प्लस पी लॉस माइनस पी जनरेटर, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, बस आप ये समझो कि स्लैक बस नाम की कोई चीज नहीं है, स्लैक बस इज ऑल्सो काइंड ऑफ जनरेटर बस ओनली। तो जनरेटर, एक जनरेटर को हम रेफरेंस मान लेते हैं, उसको हम स्लैक बस बोलते हैं। मतलब किसी भी पावर सिस्टम नेटवर्क में एक आपको स्लैक बस तो रहेगा ही रहेगा, जब तक आप रेफरेंस किसी चीज़ को नहीं मानेंगे तब तक आप इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो किसी भी सिस्टम में एक स्लैक बस होना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये हमको पहला है। दूसरा, जनरेटर बस होता है दैट इज नोन एज पी वी बस, तो उसको भी हम लोग समझ लेते हैं कि पी वी बस होता क्या है। तो पी वी बस मतलब कि देखो, स्लैक बस इज ऑल्सो काइंड ऑफ जनरेटर बस, लेकिन इसको हम अलग कर दिए हैं। तो दूसरा केस में अगर हम पी वी बस की बात करें, या हम इसको पी वी बस भी बोलते हैं, ये क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर कनेक्टेड इन द सिस्टम माइनस वन। क्यों, क्योंकि माइनस वन इसलिए क्योंकि एक जनरेटर बस को हम क्या मान लिए हैं, स्लैक बस। तो हमको इसमें से स्लैक बस माइनस कर देंगे तो हमको पीवी बस मिल जाएगा, और पी क्या है, एक्टिव पावर, वी क्या है, आपका वोल्टेज, ये आपका नॉन क्वांटिटी है, ठीक है। तो अननोन क्या मिल जाएगा, क्यू और डेल्टा। मतलब रिएक्टिव पावर और रोटर एंगल हम फाइंड कर सकते हैं, हमको दो नोन मिल गया, तो दो जो अदर अननोन क्वांटिटी है वो दो इक्वेशन से हम फाइंड कर लेंगे। अब यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए पी बी बस कितना है, तो आप इजिली निकाल सकते हो, कैसे, कि टोटल नंबर ऑफ जनरेटर बस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अब जनरेटर बस टोटल जो होगा मान लीजिए 20, तो पी बी बस कितना निकलेगा, टोटल नंबर ऑफ जनरेटर बस मतलब उसमें एक स्लैक बस भी इंक्लूड है, तो स्लैक बस को हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि 19 हमारा क्या आ जाएगा, पीवी बस आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ इसका कुछ लिमिटेशन भी है, उस लिमिटेशन को हम समझते हैं, क्या है लिमिटेशन। अब देखिए, मान लीजिए किसी बस पे हम रिएक्टिव पावर फाइंड किए, तो रिएक्टिव पावर का कुछ ना कुछ लिमिटेशन भी होगा उस बस पे, जो आपको दे दिया रहेगा कि मान लीजिए इस बस पे हमारा रिएक्टिव पावर का कुछ रेंज है, तो हम मानते हैं कि आईएथ बस पे हमारा रिएक्टिव पावर जो है क्यू जी आई, उसका जो लिमिटेशन है वो कितना है, क्यू जी आई मैक्स से क्यू जी आई
मिनिमम, मतलब कि इस रिएक्टिव पावर, इस बस का जो रेंज है रिएक्टिव पावर का, वो आपको दे दिया होगा। और मान लीजिए आपने फाइंड किया वो क्यू की वैल्यू इस रेंज में ना हो, समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि आपको जनरेटर बस, उस जनरेटर बस या उस बस पे आपको रिएक्टिव पावर का रेंज दिया हुआ है कि इतना रिएक्टिव पावर, जो रिएक्टिव पावर होगा वो उसी रेंज में होगा, वो आपको दे दिया हुआ है। और जब आप इक्वेशन से फाइंड किए रिएक्टिव पावर, वो इस रेंज में नहीं आया, ठीक है? तो जब इस रेंज में नहीं आएगा, मतलब कि रिएक्टिव पावर डिमांड को वो वायोलेट कर रहा है, मतलब कि इस रेंज में अगर नहीं आ रहा है मतलब वायोलेट कर रहा है, राइट? तो उस केस में जो आपका पीवी बस होगा, इफ आप इस चीज को समझना, इफ क्यू जी आई इज लेस देन क्यू जी आई मीन और क्यू जी आई इज ग्रेटर देन क्यू जी आई मैक्स, मतलब वियोलेशन हो गया इस रेंज में, हमारा जो भी हम रिएक्टिव पावर फाइंड किए वो इस रेंज में नहीं आ रहा है, तो इन दोनों केस में आपका क्यू जी आई की जो वैल्यू होगी, इस केस में जो क्यू जी आई की वैल्यू होगी दैट इज इक्वल टू जो मिनिमम वैल्यू है वही, और इस केस में आपका क्यू जी आई का वैल्यू होगा रिएक्टिव पावर का वो कितना होगा, क्यू जी आई जो मैक्सिमम है वो। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको रिएक्टिव पावर नहीं दिया हुआ है लेकिन ये पता है कि इस बस पे रिएक्टिव पावर वियोलेट कर दिया, मतलब कि जो रेंज दिया हुआ है उसमें नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि उसका रिएक्टिव पावर तो आपको नोन हो गया ना, रेंज दिया हुआ है, अब जैसे ही वियोलेट करेगा मतलब कि जो इस रेंज में अगर नहीं आएगा, मतलब इतना के बराबर हो गया, इतना के बराबर हो गया, दैट मीन्स कि रिएक्टिव पावर तो नोन हो गया, इजंट इट? तो जैसे ही आपका रिएक्टिव पावर नोन हुआ और एक्टिव पावर ऑलरेडी पहले से नोन है, तो जब एक्टिव पावर नोन हो गया, रिएक्टिव पावर नोन हो गया, तो किस टाइप का बस हो गया, वो हो गया PQ बस, राइट? तो जब भी ये कंडीशन वियोलेट होगा उस केस में आपका जो PV बस है इज कन्वर्टेड टू PQ बस। मान लीजिए पहले मैं बोला कि 20 जनरेटर बस है, एक स्लैक बस को हटा दो, 19 हुआ। अब मैं बोल रहा हूं उसमें से दो जनरेटर बस जो है अपार्ट फ्रॉम स्लैक, वो रिएक्टिव पावर को वियोलेट कर रहा है, मतलब रिएक्टिव पावर डिमांड को वियोलेट कर रहा है, उसके लिमिट के अंदर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि और आपको दो माइनस करना पड़ेगा पीवी बस से, क्योंकि वो जो दो है वो कन्वर्ट किस में हो गया, पीक्यू बस में। तो ये मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब अगर आपको पता नहीं होगा तो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स में आपको दिक्कत आने वाला है। दूसरा चीज, यहाँ पे पीवी बस को हम लोग जनरेटर बस को पीवी बस क्यों बोलते हैं? अब देखो, किसी भी जनरेटर का रेटिंग देखो, तो जनरेटर का रेटिंग देखोगे तो पावर हमें नोन होता है उस जनरेटर का, और उस जगह का उसका जो वोल्टेज है वो नोन होता है, इसलिए हम लोग उसको पीवी बस बोलते हैं। तो इस तरह से भी आप रिलेट कर सकते हो, राइट? अब तीसरा जो है दैट इज लोड बस, दैट इज ऑल्सो नोन एज पीक्यू बस, ठीक है? तो तीसरा में कुछ खास है नहीं, तीसरा जो है आपका, मैं यही लिख दे रहा हूँ, लोड बस, या इसको हम बोलते हैं पीक्यू बस, ठीक है? तो पीक्यू बस निकालने का जो तरीका है, जितना भी बस है उसमें से आप माइनस कर दो स्लैक बस को, माइनस कर दो पीवी बस को, जो बच गया वो लोड बस हो गया, ठीक है? चौथा, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस, इसको भी आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। यहां पे आपका पीक्यू बस है, मतलब पी और क्यू नोन है और वी और डेल्टा अननोन है। उसी तरह से वोल्टेज कंट्रोल बस क्या है, वो बस जिस पे हम कंपनसेटर लगाते हैं, कंपनसेशन टेक्निक यूज करते हैं उस बस पे। तो कंपनसेशन टेक्निक कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में आपको समझना जरूरी है। तो जहां पे भी हम वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए कंपनसेशन लगाते हैं उस बस को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल बस। और वोल्टेज कंट्रोल बस क्या होता है, एक टाइप का पीवी बस ही होता है, ठीक है? जिसमें आपका एक्टिव पावर, कोई भी कंपनसेशन डिवाइस का एक्टिव पावर जीरो होता है, मतलब नोन है ऑब्वियसली, और उस जगह का वोल्टेज को हम कंपनसेट करें तो वोल्टेज भी हमारा नोन है, इसलिए वोल्टेज कंट्रोल बस को भी हम लोग बोलते हैं पीवी बस। अब बात यहां ये आती है कि किस टाइप के कंपनसेटर यूज करेंगे जिससे पीवी बस होगा, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। यहां पे भी कुछ लिमिटेशन है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। वोल्टेज कंट्रोल बस है, और मतलब वोल्टेज कंट्रोल बस को हम क्या बोल रहे हैं कि कंपनसेशन यूज कर रहे हैं, राइट? कंपनसेशन यूज कर रहे हैं वोल्टेज प्रोफाइल को मेंटेन करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। अब देखिए, कंपनसेटर कितने टाइप के होते हैं, तो मैं यहां पे आपको दो टाइप का बता रहा हूं।
पहले मैं आपको कॉम्पनसेशन टेक्निक के बारे में बताया था। तो कॉम्पनसेशन टेक्निक जब मैं पढ़ाया था उसमें आपको बताया था कि एक तो आपका एसवीसी है, स्टैटिक वीएआर कंपनसेटर, और दूसरा है संट कैपेसिटर या फिर इंडक्टर। ठीक है, तो जब ये एसवीसी आपको दिया हो, क्या कंपनसेशन बोल रहा है कि वोल्टेज कंट्रोल बस दिया हो, तो फिर आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो कि ये पीवी बस है। लेकिन आपका अगर संट कैपेसिटर और इंडक्टर बोल रहा है, जिसे बोल रहा है कि टू बस आर दी संट कैपेसिटेड बस या फिर संट इंडक्टर बस, उस टाइप का, तो ये जो होता है दैट इज नोन एज पीक्यू बस। रीजन क्या है इसका, आप इस चीज को समझो। यहीं पे स्टूडेंट को डाउट होता है कि उसको पीक्यू बस लेना है कंपनसेशन में या पीवी बस लेना है। तो अगर अपार्ट फ्रॉम एक्सेप्ट संट कैपेसिटर और संट इंडक्टर के अलावा कोई भी कंपनसेशन टेक्निक हम लगाते हैं तो वो पीवी बस में काउंट होगा, लेकिन संट कैपेसिटर और संट इंडक्टर को हम लोग पीक्यू बस में काउंट करते हैं। रीजन क्या है, संट कैपेसिटर और संट इंडक्टर आपका एक कॉन्स्टेंट इंपीडेंस डिवाइस है, मतलब कि या तो इंडक्टर होगा नहीं तो कैपेसिटर होगा उस बस पे, कुछ ऐसा होगा। तो कांस्टेंट इंपीडेंस का मतलब क्या है कि इसकी कुछ वैल्यू होगी एल की, उस हिसाब से इसकी इंपीडेंस की कुछ वैल्यू होगी। तो कांस्टेंट इंपीडेंस है मतलब कांस्टेंट इंपीडेंस लोड की तरह ये बिहेव करेगा। तो कोई भी लोड जिसका इंपीडेंस कांस्टेंट है उसको आप किस तरह से बताते हो, उसको बताते हो जनरली आप बताते हो कि वो कितना रिएक्टिव पावर दे सकता है। जैसे हम प्योरली इंडक्टर की बात करें तो हम बोलते हैं अ लोड ऑफ 2 MVAR। क्या कैपेसिटर का बात करें तो अ लोड ऑफ 5 MVAR। लोड की बात हो रही है, कांस्टेंट इंपीडेंस लोड जैसे हम बोल रहे हैं, मतलब कि लोड इन टर्म्स ऑफ पावर हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भी क्यू क्या है, नोन है, और इसका भी क्यू क्या है, नोन है, वो दिया रहता है किसी भी सिस्टम में कि हम एक कंपनसेशन टेक्निक लगा रहे हैं जिसका जिसकी वैल्यू है 2 MVAR, अ लोड ऑफ 2 MVAR, ऐसा करके। तो आपको क्यू नोन हो गया और हमको पता है इंडक्टर और कैपेसिटर एक्टिव पावर डिलीवर करता नहीं है या एब्जॉर्ब नहीं करता है, दैट मीन्स पी इज इक्वल टू जीरो। तो पी जीरो नोन हो गया, क्यू नोन हो गया, इसलिए हम संट कैपेसिटर और इंडक्टर को पी क्यू बस बोलते हैं। बाकी जितने भी कंपनसेटर होते हैं अब अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे मैं एसवीसी लिखा हूँ क्योंकि एसवीसी ही हमारे सिलेबस में है, और भी कोई भी कंपनसेटर अगर दिया हुआ है उन सबको आपको काउंट करना है कि इसमें पीवी बस में। ठीक है, तो एक बार आप पीवी और पीक्यू बस का समझ गए कि अच्छा इसको हमको पीक्यू बस में इंक्लूड करना है, इसको पीवी बस में इंक्लूड करना है। रिएक्टिव पावर अगर वियोलेट हो रहा है दैट मीन्स वो पीवी बस बन गया, पीक्यू बस बन गया, रिएक्टिव पावर वियोलेट नहीं हो रहा है मतलब उसको पीवी में रखना है, जैसा मैं आपको बताया हूं। ये सारा चीज़ आपको अगर समझ में आ गया तो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स आप इजली बना सकते हो या इजली फाइंड कर सकते हो। तो क्या होता है साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक फॉर्मूला होता है साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स का, दैट इज इक्वल टू, इस चीज को समझिए आप, नोट्स में हर चीज सही से लिखना क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। तो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स जो होता है वो होता है 2 × PQ + PV मल्टीप्लाइड बाई, इतना क्रॉस इतना का होता है, 2 × PQ + PV। ठीक है, मतलब पीवी बस अगर आपको फाइंड पता है और पीक्यू बस पता है कि कितना है किसी सिस्टम में, तो आप साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स निकाल सकते हो। तो सवाल बस इसी पे आता है जो मैं आज आपको बताया हूँ कि किसको पीक्यू में लेना है, किसको पीवी में लेना है, कब जो वॉयलेट करेगा तो क्या पीवी से पीक्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पता है तो आप इसमें सिर्फ आपको पुट करना है और आप निकाल सकते हो। तो एक नॉर्मली अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल सिस्टम का, तो उसमें मान लीजिए एन बस सिस्टम है, इसमें कुछ ना कुछ जनरेटर बस होगा जो आपको दिया रहेगा, वो जनरेटर बस में आपका स्लैक बस होगा वन, एक तो स्लैक बस होगा ही, और दूसरा जो बच गया जनरेटर बस माइनस वन जो बच गया वो पीवी बस हो गया। उसके बाद पीक्यू बस क्या होगा, टोटल माइनस जनरेटर बस, एन बस सिस्टम है तो एन माइनस जनरेटर बस, ये आपका पीक्यू बस। तो ये नॉर्मल केस है। अब मान लीजिए कंडीशन वायलेट हो रहा है, कैसे, रिएक्टिव पावर डिमांड उतना नहीं जा रहा है या फिर जो मैं रेंज आपको बताया है रिएक्टिव पावर डिमांड का पीवी बस में वो नहीं हो रहा है, तो पीवी बस का जो भी जनरेटर बस आपका रिएक्टिव पावर डिमांड फुलफिल नहीं कर रहा है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पीक्यू बस में, तो पीक्यू बस में ऐड हो जाएगा और पीवी बस से माइनस हो जाएगा। दूसरा, संट कैपेसिटर और इंडक्टर, किसको संट कैपेसिटर और इंडक्टर किसको रखना है, किसमें रखना है, पीक्यू बस, तो उसको भी हमें ऐड करना पड़ेगा।
तीसरा, अगर ये कंपनसेटर दिया हुआ है तो ये कंपनसेटर दिया हुआ है मतलब कि इसको पीवी बस में रखना है तो वो ऐड हो जाएगा, समझ में आ रहा है। या फिर आपको इस तरह से करके मतलब पीवी बस में हम ऐड कर दिए या फिर माइनस कर दिए, आपको अलग से दिया होगा तो उस हिसाब से आप इसको ऐड माइनस कर सकते हो। तो हम लोग डिफरेंट क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स निकालने का कोशिश करते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कब किसको पीक्यू बस में लेना है, कब किसको पीवी बस में लेना है। दो तीन न्यूमेरिकल के बाद आपका पूरा एकदम क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कैसे हम प्लस माइनस करके जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन मैं लिया हूँ जो कि गेट 2016 में आया था 2 मार्क्स का। आप इसको समझो, पावर सिस्टम है, हैज़ 100 बस, टोटल नंबर ऑफ बस कितना है 100 बस दे रखा है, इंक्लूडिंग 10 जनरेटर बस, मतलब जनरेटर बस कितना है 10। उसके बाद बोल रहा है फॉर द लोड फ्लो एनालिसिस यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड द साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स इज व्हाट, ठीक है, ऑप्शन में ये दे रखा है। तो आपको मैं क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या निकालना है, पीवी बस। जो आप देखेंगे साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला आता है उसमें क्या आता है, जैकोबियन मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू प्लस पी बी, राइट, मल्टीप्लाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू प्लस पी वी। तो हमको निकालना है पी वी पहले, उसके बाद पी क्यू निकालेंगे। तो इसमें और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है, सीधे जनरेटर बस कितना दिया है 10, तो जनरेटर बस हमारे पास कितना हो गया 10। और आपको मैं क्या बताया कि हर एक जनरेटर बस में किसी भी सिस्टम में एक स्लैक बस तो होगा ही होगा, मतलब इसी जनरेटर में आपका 1 स्लैक बस हो जाएगा और जो बाकी बच गया वो कौन सा बस हो गया, पी वी बस। तो पी वी बस कितना हो जाएगा 10 माइनस 1, दैट इज 9। तो पी वी बस हमारा निकल गया। उसी हिसाब से अगर हम पी क्यू बस की बात करें तो पी क्यू बस में क्या बोला, पी क्यू बस इज इक्वल टू टोटल माइनस जनरेटर बस, राइट। सो टोटल माइनस जनरेटर बस कितना है 10, सो टोटल इज 100 माइनस 10, दैट इज इक्वल टू 90। इसको देखिएगा बुक में लिखा रहता है टोटल माइनस पीवी बस माइनस स्लैक बस, बात वही हुई, टोटल माइनस जनरेटर बस ही हुआ, ठीक है। तो ये आपका पी क्यू बस निकल गया, तो जैकोबियन मैट्रिक्स का आपका साइज कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 90 प्लस पी वी इज 9, दैट मीन्स 189 मल्टीप्लाइड बाई 189। तो है ना आसान, कुछ नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए कब किसको किस में रखना है। तो इसमें तो कुछ ऐसा वियोलेशन नहीं हुआ, वोल्टेज कंट्रोल बस का बात नहीं किया, शंट कैपेसिटर शंट इंडक्टर नहीं दिया, या फिर आपका रिएक्टिव पावर डिमांड जो है वो वियोलेट हो गया या उतना नहीं कर पाया, ये सारा चीज़ तो भी बात नहीं किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो ये बहुत आसान था, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सीधा सेकंड क्वेश्चन, ये गेट 2003 में आया है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप देखिए। इसमें क्या बोल रहा है, पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 300 बस, टोटल बस कितना है 300, आउट ऑफ विच 20 बस आर द जनरेटर बस। तो जनरेटर बस आपको मिल गया, जनरेटर बस इज इक्वल टू कितना है 20। अब मैं आपको बता दिया कि हर एक जनरेटर बस में एक आपका स्लैक बस होगा ही, जिसको हम लोग रेफरेंस बस बोलते हैं, तो 19 क्या हो गया, पी वी बस। ये हमको पढ़ने के बाद समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, आउट ऑफ विच 20 बस आर जनरेटर बस, ओके, 25 बस आर दी वंस विथ रिएक्टिव पावर सपोर्ट। 25 बस क्या है, वो है जो रिएक्टिव पावर को सपोर्ट कर रहा है। तो रिएक्टिव पावर सपोर्ट, अब यहाँ पे तो कुछ बोला नहीं है शंट कैपेसिटर है या नहीं है, है ना, सीधे बोल रहा है रिएक्टिव पावर सपोर्ट, मतलब एसवीसी वाला केस है। दैट मीन्स कि एसवीसी स्टैटिक वीआर कंपनसेटर में आपका कौन सा बस था, वो वोल्टेज कंट्रोल बस में, मैं आपको बताया था ऐसे कंपनसेटर में दो पार्ट है, एक एसबीसी दूसरा शंट कैपेसिटर इंडक्टर। तो एसबीसी वाला को किस में हमको लेना था, इस लेना था हमको पीवी बस में। तो पीवी बस और कितना ऐड हो जाएगा, और कितना ऐड हो गया, 25 बस आर द वंस विथ रिएक्टिव पावर सपोर्ट, मतलब 25 और इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि कंपनसेटर वाला जो है उसमें अक्सर कन्फ्यूजन क्या होता है कि रिएक्टिव पावर सपोर्ट है मतलब पीवी बस, और शंट कैपेसिटर शंट इंडक्टर दैट इज कॉन्स्टेंट इंपीडेंस लोड है, उसको हमको किस में लेना होता है, पीक्यू बस में। तो हम 25 को पीवी बस में ले लिए, तो टोटल नंबर ऑफ बस कितना हो जाएगा, दैट इज 44 पीवी बस। अभी हमको पढ़ने के बाद इतना समझ में आ गया। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, देखिए 15 बस आर दी वंस विथ फिक्स्ड शंट कैपेसिटर, 15 बस उसमें से ऐसा है जो शंट कैपेसिटर, फिक्स शंट कैपेसिटर। अब इसको भी स्टूडेंट क्या करते हैं, देखते हैं शंट कैपेसिटर ये प्रोवाइड क्या करता है, रिएक्टिव पावर सपोर्ट, तो इसको भी पीवी बस में इंक्लूड कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। मैं आपको बताया हूँ कि शंट कैपेसिटर और शंट इंडक्टर जो है वो पीक्यू बस में इंक्लूड होता है, तो ये किस में जाएगा, 15 जो है वो आपका पीक्यू बस में इंक्लूड होगा,
क्लियर हो गया इतना बात। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, ऑल अदर बस आर लोड बस, मतलब पी क्यू बस, जो बच गया वो पी क्यू बस में है, ठीक है। तो जो बच गया उसको मतलब ये 15 बस जो है वो भी पी क्यू बस में हम ले लेते हैं, तो पी वी बस हमको निकल गया, तो पी क्यू बस क्या हो जाएगा, पी क्यू बस हो जाएगा टोटल माइनस जनरेटर बस। अब जनरेटर बस तो 20 है ही, 19 प्लस 1, और उसके बाद ये भी तो माइनस होगा क्योंकि ये भी हमारा पीवी बस में इंक्लूड हो रहा है, 25 जो आपका ये रिएक्टिव पावर सपोर्ट का है ये भी हमारा पीवी बस में हो रहा है, तो ये भी माइनस होगा, दैट इज 25। अब इसमें आप प्लस कर दो 15, वो हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि टोटल हम ले रखे, ठीक है। तो टोटल ले रखे मतलब इन सब का जो बच गया वो पूरा पी क्यू बस में ही होगा, समझ में आ रहा है। ऑल अदर बस आर लोड बस मतलब कि इसमें तो 15 इंक्लूड ही हो गया ना फिक्स शंट कैपेसिटर का, इसलिए मैं उसको अलग से नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टोटल कितना है 300 माइनस जनरेटर बस कितना है 20 माइनस ये कितना है 25, 300 माइनस 45 दैट इज 255। तो जैकोबियन मैट्रिक्स का साइज क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू प्लस पी वी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 255 दैट इज इक्वल टू 310 हो जाएगा, और 44 मतलब 354 मल्टीप्लाइड बाई 554, 554 मल्टीप्लाइड बाई 554, क्लियर हो गया। तो ये आपको पूरा ध्यान में होना चाहिए, अदरवाइज आप गलत कर दोगे कि हमको फिक्स्ड शंट कैपेसिटर को पी क्यू बस में लेना है ना कि पी वी बस में, ठीक है। ये अगर आपको ध्यान में है तो उसके बाद आप इजीली सेपरेट कर सकते हो और सेपरेट करके निकाल सकते हो, समझ में आ गया। तो ये दो क्वेश्चन गेट में आया था, एक और क्वेश्चन लेते हैं, उससे आपको और थोड़ा सा आइडिया होगा, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको समझ में आ गया तो उसके बाद आपको कहीं भी साइज और जैकोबियन मैट्रिक्स का में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए उस क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, सी द लास्ट क्वेश्चन दैट इज द थर्ड क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको अगर आप समझ गए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसमें। तो देखिए क्या बोल रहा है, 10 बस पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 4 जनरेटर बस, ओके टोटल नंबर ऑफ बस हो गया, बस जो है वो 10 है और जनरेटर बस कितना है ये पहले ही बोल दिया, जनरेटर बस जो है दैट इज इक्वल टू 4, G1 G2 G3 G4 एंड 6 लोड बस, लोड बस इज नथिंग बट पी क्यू बस, सो पी क्यू बस कितना दे दिया, पी क्यू बस इज इक्वल टू कितना दे दिया 6, L1, L2, L3, L4, L5, L6 ये चारों पी क्यू बस है, ठीक है। तो 6 प्लस 4 टोटल मिल रहा है, चलिए फाइन। उसके बाद द जनरेटर बस G1 इज कंसीडर्ड एज स्लैक बस, मतलब ये जो जनरेटर बस है G1 ये क्या है, ये आपका स्लैक बस है। तो जब ये स्लैक बस है तो रिमेनिंग क्या हो गया, आपका पीवी बस, राइट। मतलब कि इनिशियली आपका पीवी बस क्या होगा, पीवी बस इज इक्वल टू जो होगा, पढ़ने से हमें लग रहा है पीवी बस इज इक्वल टू 3 एंड पीक्यू बस कितना हो जाएगा, दैट इज 6, तो 6 प्लस 3 9 और प्लस 1 स्लैक बस 10, तो टोटल 10 बस पावर सिस्टम है, ये हमको देख के समझ में आ गया। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, जनरेटर G1 इज कंसिडर्ड ए स्लैक बस एंड लोड बस L3 L4 आर वोल्टेज कंट्रोल्ड बस। अब बताओ जब मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा था इसी लेक्चर में तो क्या बोला था, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस जो है वो किस टाइप का बस होता है, वो होता है पीवी बस, राइट। और ये बोल रहा है कि लोड बस जो L3 L4 है, ये वाला L3 L4 जो है वो क्या है, वोल्टेज कंट्रोल बस है, मतलब ये पीवी बस है। तो जो भी पहले पीवी बस था उसमें L3 L4 भी ऐड हो जाएगा, तो अब जो नया आपका बनेगा दैट इज 2 और ऐड हो गया L3 L4, और जो लोड बस था PQ जो 6 पहले था L1 L2 L3 L4 L5 L6 उसमें से 2 माइनस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि 2 PV बस है दैट इज वोल्टेज कंट्रोल बस, तो अब ये कितना हो जाएगा, यहाँ से आप माइनस 2 कर दो तो फाइनली आपको जो मिलेगा वो अभी के हिसाब से 5 PV बस हो गया और 4 PQ बस हो गया। अब आगे पढ़िए, आगे पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, द जनरेटर एट बस G2 मतलब G2 जो जनरेटर है कांट सप्लाई द रिएक्टिव पावर डिमांड, ये जो G2 है जो कि पीवी बस में है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा है रिएक्टिव पावर डिमांड को, एंड हेंस इट इज ऑपरेटिंग एट मैक्सिमम रिएक्टिव पावर लिमिट। मतलब कि जब मैं आपको पीवी बस पढ़ाया था उसमें बताया था कि जब भी रिएक्टिव पावर डिमांड फुलफिल नहीं होगा और वो मैक्सिमम या मिनिमम पे वर्क करेगा उस केस में पीवी बस इज कन्वर्टेड टू
पी क्यू बस वो मैं लिखाया था उस जगह पे। तो यहाँ देखिए जी टू जो है वो सप्लाई नहीं कर पा रहा रिएक्टिव पावर डिमांड जो कि पी वी बस में हम इंक्लूड किए हुए हैं। अगर वो रिएक्टिव पावर डिमांड सप्लाई नहीं करेगा मतलब कि ये पी वी बस से कन्वर्ट किस में हो गया, पी क्यू में। इसका मतलब क्या है कि जी टू को हमको किस में इंक्लूड करना पड़ेगा, पी क्यू में, और पी वी से एक माइनस करना पड़ेगा। तो इस पढ़ने के बाद यहाँ पर माइनस वन हो गया और यहाँ पर प्लस वन हो जाएगा। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका फोर पी वी बस आ गया और पी क्यू बस कितना आ गया, फाइव। उसके बाद बोल रहा है द नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन फॉर सॉल्विंग द लोड फ्लो प्रॉब्लम यूजिंग न्यूटन रैप्सन मेथड इन पोलर फॉर्म विल बी व्हाट। तो नॉन लीनियर इक्वेशन जो होता है, जो भी आपका मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है उतना ही लीनियर इक्वेशन होगा, राइट। नॉन लीनियर इक्वेशन मतलब कि एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स है तो एन नॉन लीनियर इक्वेशन बनेगा। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली पूछ रहा है साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स ओनली, तो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स जो आपका निकलेगा वही आपका नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन के बराबर होगा। तो साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स हम निकाल सकते हैं, पी क्यू पता चल गया, पी वी पता चल गया, तो जैकोबियन मैट्रिक्स हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाई पी क्यू प्लस पी वी। सो टू मल्टीप्लाइड बाई फाइव प्लस फोर दैट इज 14। तो नंबर ऑफ नॉन लीनियर इक्वेशन कितना होगा, 14, और साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 14 क्रॉस 14। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इससे बड़ा क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि गेट में पूछेगा। अगर पूछेगा तो यही आपका कभी उससे कम कर दिया, कभी उस पर बढ़ा दिया, तो आपको समझ में आना चाहिए कि शंट कैपेसिटर, फिक्स शंट कैपेसिटर एंड शंट इंडक्टर वो क्या है, पी क्यू बस में इंक्लूड करेंगे, वोल्टेज कंट्रोल्ड बस को पी वी बस में इंक्लूड करेंगे, दैट इज द अदर कंपनसेशन इक्विपमेंट को हम पी वी बस में इंक्लूड करते हैं, और शंट कैपेसिटर शंट रिएक्टर को हम पी क्यू बस में इंक्लूड करते हैं। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान रखना है कि रिएक्टिव पावर डिमांड अगर फुलफिल नहीं होगा किसी भी पीवी बस का तो वो कन्वर्ट हो जाएगा पीक्यू बस में, ठीक है। ये दो चीज आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आप इस प्रोसीजर से जाकर पीवी बस, पीवी एंड पीक्यू निकालिए, साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा लोड फ्लो का जो क्रैश कोर्स का टॉपिक है, टारगेटेड एरियाज है, वो हमने कंप्लीट किया, और आपका पावर सिस्टम आज क्रैश कोर्स के फॉर्म में कंप्लीट हो गया। फुल कोर्स में और भी बहुत सारा चीज़ इसमें है, जैसे पूरा जेड बस है, फॉल्ट बाय यूजिंग जेड बस है, फिर आपका जो नॉन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का जो इटरेटिव मेथड है, गॉस मेथड, गॉस सीडल मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, वो सब है। तो वो सब हम लोग फुल कोर्स में डिटेल में देखेंगे। अभी क्रैश कोर्स के फॉर्म में आपको इसी टारगेटेड जो हम एरियाज आपको बताए हैं, जो हम पढ़ाए हैं, वही आप ध्यान में रखो और गेट एग्जाम में बैठ जाओ, देखो फिर क्या होता है। अगर आपका लक साथ दिया तो जो प्रॉब्लम हम लोग करें हैं उसी में से कुछ आएगा, नहीं साथ दिया तो फिर उसके लिए फुल कोर्स पढ़ना पड़ेगा, इजंट इट। तो इस तरह से पावर सिस्टम हम कंप्लीट कर दिए, और पैरेलली आपका मशीन एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स चल ही रहा है, और बहुत सारा ऑलमोस्ट 8 to 9 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है। बाकी आप अच्छे से इसको रिवीजन कीजिए, टेस्ट सीरीज को दीजिए, जितना भी लोड फ्लो में साइज ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन आपको मिल रहा है अलग अलग टेस्ट सीरीज में, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आपका पूरा अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। और एक और बात, हमारा फुल कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, आपको पता ही होगा, बहुत लोग इनरोल कर लिए हैं। तो हम लोग इंस्टाग्राम पर भी आए हैं, जेनिक एजुकेशन, आप हैशटैग जेनिक एजुकेशन लिखेंगे तो इंस्टाग्राम पे आ जाएगा, आप उसको फॉलो जरूर कीजिए। रीजन क्या है, क्योंकि हम लोग कुछ ऐसा ऑफर निकालेंगे जो सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम पे ही आपको दिखेगा। तो उस केस में अगर जो इंस्टाग्राम फॉलोअर हैं उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा अभी ये ऑफर आ रहा है तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट हम लोग लाते हैं तो इंस्टाग्राम पे हम ऑफर जरूर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। पावर सिस्टम में इससे ज्यादा क्रैश कोर्स में आप मत पढ़ो, आप अगर लास्ट 2 मंथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तो इतना काफी है। और अगर कोई बंदा स्टूडेंट जो है वो थर्ड सेमेस्टर या फिफ्थ सेमेस्टर या सेवन्थ सेमेस्टर में है या उनको फुल कोर्स चाहिए तो हमारे यहाँ इनरोल कर सकते हैं। उसमें और डिटेल में हम लोग प्रोटेक्शन जो बच गया है और भी बहुत सारे पार्ट बचे हैं पावर सिस्टम 1 के, फिर लोड फ्लो में भी और सा पार्ट है, वो सारा चीज़ हम लोग फुल कोर्स में और डिटेल में और बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट को ही पढ़ेंगे। तो वो एक टाइप का 80 to 90 आवर्स का कोर्स होगा जो हम नहीं चाह रहे हैं अभी इस सिचुएशन में आपके साथ हम शेयर करें जो गेट 19 स्टूडेंट है। गेट 19 के लिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ टारगेटेड एरियाज लिए थे, उस हिसाब से लोड फ्लो में अगर आप इतना कर लिए हो दैट इज मोर देन इनफ। बाकी लक पे डिपेंड करता है, आपको पता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आप पढ़े नहीं हो या फिर कुछ पोर्शन पढ़ के गए उसी में से आ गया तो आपका वाह वाह है, और अगर नहीं आया तो फिर आपका लक साथ नहीं दिया, राइट। या फिर आप एक साल पहले से तैयारी करो और एक साल में पूरा टोटल कर लो, दैट इज मोर बेनिफिशियल, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्रैश कोर्स में पावर सिस्टम कंप्लीट कर लिए हैं, और भी सब्जेक्ट जो चल रहा है वो धीरे धीरे कंप्लीट होते जाएगा। और थैंक यू, फिर मिल
मिलते हैं कोई और सब्जेक्ट के साथ, और भी नए नए फीचर्स हम लाएंगे, उसको भी हम लोग आने वाले टाइम में इम्प्लीमेंट करेंगे फॉर यूट्यूब, जो भी हमारे यूट्यूब में सब्सक्राइबर हैं उनके लिए। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।